मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, एक ही होया मोदी होया, एक ही होया मोदी होया। मारो मारो मारो, बदलाव करी जाते हैं, रोज़ रोई जाने जी, आ देखो जी आ की करता जी, आ जिहड़ा सिलेबस दे विच आ बदलाव करता, हूँ इतिहास में तरोड़ी मरोड़ी जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन उन्होंने पहले ही कब्जे च लै ली, हैल्थ लै ली, तो हुण रह गई सी खेती, वो भी लै गई। बीते दिनी भारत सरकार वालों खेतीबाड़ी मंडीकरण बिल विच सोध की गई। ऑर्डिनेंस जारी होने तो बाद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों नूं सावधान किया कि भारत सरकार उन्होंने हकों पर डाका मान जा रही है। भगवंत मान ने दोष लगाए थे कि भारत सरकार के नाल नाल श्रोमणी अकाली दल भी इस बिल की हिमायत विच है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार राज्यों के हकों उत्ते डाका मारन जा रही है, जिस तो बाद हुण भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के आगू और मैंबर इस बिल के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि जेकर इस बिल को वापस ना लिया गया तो इसके नतीजे घातक होंगे। आगुओं वालों जिथे नकोदर के SDM को मंग पत्र सौंपया गया, उत्थे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बना के उस ते छित्र मारे गए और उस नूं फूकिया गया। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, एक ही होया मोदी होया, एक ही होया मोदी होया, साडे हक जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, एक ही होया मोदी होया, एक ही होया मोदी होया, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मारो मारो छत्तीसगढ़, मारो मारो होर मारो छत्तीसगढ़, इन्हां किसानों का कहना है कि जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया वो किसानों के हक विच नहीं बल्कि विरोध विच है, इस करके इसनू लागू नहीं होने दिता जाएगा। हाँ जी सर, अज जिहड़ा तुसीं मंग पत्र दिता की सीगा इह? भारतीय किसान यूनियन लखोवाल वालों जो सेंटर गौरमेंट ने खेतीबाड़ी मंडीकरण सोध बिल पा बिल सोध की पंजाब के किसानों लिए बहुत घातक आ। असी ना सरकार तक ये आसा रखते कि होर फसलों दी सानू MSP मिलेगी, पर सरकार साड़ी झोने की तो कणक की भी खत्म कर रही है। जदों MSP खत्म हो गई, कणक जी साड़ी मेन शाहूकार जिहड़े व्यापारी अपनी मर्जी ना खरीदणगे, मर्जी ना रेट लाउणगे, झोने का मर्जी ना रेट लाउणगे, जिहड़ी अज्ज साडी 1800-1900 झोना विकदा, ये कल नूं जदों MSP खत्म हो गई तो 1000 रुपये क्वांटल बिकूगा। उसके उपरंत तुसीं देखो जी साडी फसल 1000 रुपये क्वांटल बिकूगी, दी मजदूर की दिहाड़ी 300-100 रुपया होजूगी, वो मजदूर का गुजारा किदां चलूगा? छोटे साढ़े को पैसे ना हो तो अभी दुकानदार को ना गए तो छोटा दुकानदार किदां चलूगा, अपने परिवार को किदां पालूगा? जो आढ़तियों को 2.5% कमीशन मिलता, उन्होंने वो कमीशन ना मिले, शाहूकार सीधी खरीद कर लग पाया तो वह भी खत्म हो गया। उसके उपरंत जनता कहूँ सानू तो सेंटर गौरमेंट से आस सी भी बाकी जिहड़ियां फसलां वा आलू आ सब्जियां वा होर फसलों उन्होंने MSP लागू करे, पर अगर लागू हो भी खत्म कर रहे हैं, पर ये मोदी सरकार असी दसना चाहते हैं जे किसानों ने धक्का किया ना, ये मनिया ना, ये फैसला जो उन्हें मता पास किया ना, ये वापस लिया गया तो सड़क जाम कर देवे, पंजाब दियाँ तो करा, हरियाणा दियाँ करें, दिल्ली में भी घेरा पावे, हम उपरंत जे ना हो बिल्कुल ये सरकार दियाँ चूल्हा हिला देवे इकट्ठे हो गए किसान सारे। असी बाकी सियासी पार्टियां उन्होंने बेनती करते हैं कि सियासी सियासत उपर उठ के किसानों का साथ दो, जिन्हें बाकी किसान यूनियन जथेबंदियां उन्होंने भी बेनती करते हैं भी साडा साथ दो, दुकानदारों भी आढ़तियों भी पब्लिक को भी साथ देने, जे अजकल किसान रुल गया तो फिर सारे रुल जाएंगे, ये साड़ियाँ मेन मंगा जी। इस दे नाल ही इन्हां आगुआं ने इल्जाम लगाए कि सरकार वालों जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उस दे नाल हर एक वर्ग नूं वड्डा घाटा पैण वाला है ते वड्डे व्यापारियों नूं इसका फायदा होगा। हाँ जी सर, मैं सुखजीत सिंह पंगू ब्लाक प्रधान नकोदर भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। अज अं SDM साहब ने मंग पत्र दिता वा जी MSP लागू की इन्होंने की अं चाहते हैं भी खत्म किया जाए, जो ये SME आ की इन्होंने चालू की किसान तो मरूगा मरूगा, उन्हें छोटा दुकानदार दिहाड़ीदार सारे ही घाटा पैना, सारे ही भुखमरी का शिकार हो गए। अं केंद्र सरकार को मंग करते हैं कि जरा तुम्हें MSP खत्म करके तो जिमीदारा साथ दौ, अं हर
मंग पत्र एस डी एम देवे डी सी साहब देवे तो जे साडे मंग पत्र ना मने केंद्र सरकार ने तो अं सड़क भी उतरांगे अं दिल्ली का हरियाणे सड़क भी जाम करांगे तो केंद्र सरकार को विखावांगे भी किसान एकता कितनी कामयाब आ अं किसान बैठे नहीं आ चुप करके बैठे नहीं रहना अभी अं इन दूल्हा हिलावे सरकार दौगी इलैक्शन में मोदी सरकार को पता लग जूगा भी भारतीय किसान यूनियन लखोवाल की कर सकती है तो सारे ही जिमीदार औखे आ दुकानदार छोटे दिहाड़ीदार एमएससी जी ना लाई जाए मेहरबानी करके तो किसानों का साथ दिता जाए किसान कोरोना महामारी बीमारी में सब्जियां फल जो भी दुकानदारों पचा रहा ही उदा तुहाडा साथ दिता तो किसानों की वारी आई है तो क्यों भजंडा है सरकार सरकार हाथ जोड़ के बेनती आ भी साड़िया मंगा मनिया जा जो ना मनिया गई तो अं सड़क उतरांगे इन मजबूर न अगला हुक्म लखोवाल साहब जो लिखणगे उत्ते अं काम करांगे कार्रवाई अज की किया गया तो अज अं मोदी साहब का पुतला फूकिया तो उन्होंने दस्या भी तुम साढ़े वास्ते तो मर चुके जे साडे वास्ते नहीं लिया तुम ना सा जमींदारा का कोई फायदा किया ना पंजाब सरकार ने ना सेंटर सरकार ने अज अं अक सड़ के मोदी का पुतला फूकिया वा जो फूक के अं हे आए हम मंग पत्र अं एस डी एम साहब ने कुदर दिता वा तो उधर तुहानू भगवंत मान की भी गल सुना दें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भगवंत मान ने की भगवंत मान ने भी इसनों राज्यां दे अधिकारां ते डाका मारन की गल आखी सी ते जिहड़ा ऑर्डिनेंस जारी होया हुण मैं 19 मई नूं पीसी कीती सी तुसीं इत्थे सीगे मैं उदों खदशा प्रगट कीता सीगा कि MSP नूं खत्म करन दीआं तैयारियां चल रहीआं ने वड्डे प्लेयर कलस्टर बणाउणगे 30,000-40,000 एकड़ दे अंबानीज अंडानीज दे साइलो बनणगे उस वेले शायद कई ने सोचा होना शायद विरोधी पार्टी तौर पर इल्जाम ला रहे ने पर 19 मई तो अज 6 जून तक पहुँचते सिर्फ 15-16 दिन च ये गल साबित हो चुकी है उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करता जी कि पंजाब ते हरियाणा नूं स्पैसीफिकली रखे वे कि इतों MSP खत्म करो सिर्फ पंजाब ते हरियाणा ने जिन्होंने प्रक्योरमेंट का ढांचा बनाया होया सी साडियां जिहड़ियां खरीद एजेंसियां ने पनग्रेन होगी मार्कफेड होगी बाकी जिहड़ियां साडियां FCI होगी चलो सेंटर दी है सिर्फ पंजाब ते हरियाणा नहीं अपना प्रोक्योरमेंट दा सिस्टम बनाया सीगा बाकी होर किते नहीं हैगा मुल्क च UP दे विच अज भी MSP तो 1,000 रुपया घट जिहड़ा झोना विक रहा है 400 रुपया पूरे देश दे विच पंजाब ते हरियाणा तो बिना कणक जिहड़ी है वह 400 रुपया घट विक रही है MSP तो ठीक है जी बिल्कुल इस तरह करन दा हुण पंजाब ते हरियाणे दा वारी आ गई देखो खेती एजुकेशन ते हैल्थ यह तीनों संविधान दे विच लिखा है कि तीनों स्टेटां दे राइट ने राज्यां दे अधिकार ने एजुकेशन ते हैल्थ तां असीं पहले ही देती उन्हां नूं जे असीं PGI बनाउणा होवे सानूं सेंटर वल देखना पैंदा एजुकेशन भी उह लै गए हैल्थ भी लै गए एजुकेशन किवें हुण ओह आप साडे इतिहास च बदलाव करी जांदे ने असीं रोज़ रोई जांदे जी आह देखो जी आह की करता जी आह जिहड़ा सिलेबस दे विच आह बदलाव करता ओह इतिहास नूं तरोड़ी मरोड़ी जांदे ने क्योंकि एजुकेशन उन्होंने पहले ही कब्जे च लै ली हैल्थ लै ली तो हुण रह गई सी खेती ओह भी लै गई जी सो भगवंत मान ने भी दोष लगाए सन कि इस बिल की हिमायत श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल वालों की गई है उन्हें कहा अकाली दल अपना स्टैंड स्पष्ट करे जिहड़ा ऑर्डिनेंस जारी होया MSP नूं खत्म करन वाला ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ MP ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NRC ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕੌਦਰ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਗਲ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਮੁਕਸਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।